हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही पनीर की रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। तो चलिए रेसिपी कर लेते हैं शुरू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल ना भूलें मेरी इसी तरह की न्यू लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पैन को गरम कर लिया है और अब आपको इसमें ऐड करना है कुकिंग ऑयल। आप इसमें 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कीजिए और जैसे ही ये ऑयल आपका गरम हो जाएगा आपको इसमें 1 चम्मच ऐड करना है जीरा। इसे अच्छे से हम चटक जाने देंगे और फिर हम साथ ही में इसमें ऐड करेंगे ये है 2 प्याज जिसे मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट किया हुआ है, आपको इसमें ऐड कर देना है। आपको इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज लेनी है और हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज मैंने यहाँ पर ली थी तो आपको 2 टमाटर इसमें ऐड करने हैं मीडियम साइज के और इसे भी हम साथ ही में इसके मिक्स कर लेंगे। और ये लिया है मैंने 2 टुकड़े अदरक के और यहाँ पे लिया है मैंने 6 से 7 यह है काजू और 3 से 4 आपको लेनी है सूखी लाल मिर्च और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। चलिए अब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक हम इसका पनीर के पीसेस कट कर लेते हैं। तो आपको इस तरह से इसे पनीर के पीसेस कट करने हैं बड़े बड़े टुकड़ों में। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपको शाही पनीर में थोड़े से बड़े टुकड़े डालिएगा तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपको सारे पनीर को इतने बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। ये देखिए इतने बड़े टुकड़ों में आपको कट कर लेना है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट हुए या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। ये देखिए अब इसको आपको क्या करना है, इसे साइड में रख दीजिए और इसको इस तरह से फैला लीजिए और इसे अच्छे से हमें ठंडा कर लेना है, उसके बाद हमें इसे पीसना है। तो चलिए मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। तो ये टमाटर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका था हमारा मसाला। अब इसे आपको मिक्सी जार में ऐड करके इसे हमें पीसना है। आपको इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करते हुए इसे पीसना है। तो ये देखिए ऐसा आपको पेस्ट पीस के रेडी कर लेना है। ये देखिए आपको पीस के रेडी कर लेना है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं सब्जी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब आपको इसमें ऐड करना है कुकिंग ऑयल और इसे अच्छी तरह से हमें गर्म हो जाने देना है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे यह है कश्मीरी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च में बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता है तो इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट को पीस के रखा हुआ था वो सारा पेस्ट आपको इसमें ऐड कर देना है और ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम मीडियम या स्लो रखना है, ज़्यादा हाई मत कीजिएगा और इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। तो चलिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आपको साथ ही में इसमें जो मिक्सी जार में हमारा मसाला बचा हुआ था वो आपको इसमें हल्का सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो जिसमें मैंने 1 चम्मच भर के लिया है शाही पनीर मसाला, आपको इसमें ऐड कर देना है और 1/2 छोटी चम्मच मैंने इसमें लिया है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है और टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें ऐड करना है नमक और यह है 1 चम्मच धनिया पाउडर। बस मसाले हम इतने ही ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो सारे मसालों को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लीजिए,
अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। आपको क्या करना है, इसमें ढक्कन ढक के हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए और इस ग्रेवी को पका लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये 2 से 3 मिनट मेरे अच्छे से पक चुकी है ग्रेवी। अब आपको इसमें ऐड करना है, इससे पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये है 1 चम्मच चीनी। आप तो कभी खाई होगी शाही पनीर तो आपको पता होगा शाही पनीर में एक हल्की सी मिठास होती है, तो वो मिठास हमारी चम्मच 1 चम्मच चीनी से पूरी होगी। तो एक चम्मच चीनी आपको इसमें ऐड कर देनी है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है ये है क्रीम, आपको इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। अभी मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करी है, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आपको जितने पनीर आपको इसमें ऐड करने हैं आपको इसमें ऐड कर देने हैं। तो सारा पनीर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और ऐड करके आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आपको इसमें हल्का सा पानी ऐड करना है और इसे भी मिक्स कर लीजिए। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे ढक्कन ढक के इसे 5 से 7 मिनट के लिए और पकाइए, ताकि जो हमने पनीर ऐड किया है वो अच्छी तरह से हमारा पनीर सॉफ्ट हो जाए। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए शाही पनीर हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। तो गैस का फ्लेम आपको अब कर देना है ऑफ। और यह है 1 चम्मच यह है कसूरी मेथी, आपको इसे हाथों में लेकर अच्छी तरह से क्रश करते हुए हाथों से इसमें ऐड कर देना है। और इसे भी आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुकी है। अब आपको इसमें ऐड करना है क्रीम। तो आपको अब अच्छी तरह से इसमें क्रीम ऐड कर देना है और इसे मिक्स कर लीजिए। तो ये शाही पनीर हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी ग्रेवी कितनी थिक है, और इतनी थिक आपको इसकी ग्रेवी रखनी है। तो ये देखिए इतनी थिक आपको इसकी ग्रेवी रखनी है, ये देखिए। तो हमारी सब्जी परफेक्ट बनके बिल्कुल रेडी है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी शाही पनीर बनके बिल्कुल रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप इसे रोटी के संग खाइए या फिर नान के संग खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको ये। तो हमारी शाही पनीर बनके बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल ना भूलें मेरी इसी तरह की न्यू लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। वीडियो को फुली वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।